हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी डीजीटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका आंसर की रिलीज कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आपको आपका आंसर की डाउनलोड करना है और कैसे ऑब्जेक्शन राइज करना है, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्शन के भी ऑप्शन खुल गए हैं। तो आपको क्या चीज़ें करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, आज ही के डेट में यह खबर निकल के सामने आई है। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे यह दो आंसर की आपका रिलीज किया गया है। एक तो जो 7 तारीख के डेट में एग्जाम हुआ था उन सभी 12 सब्जेक्ट का, और यहाँ पे एक और जो है एग्जाम हुआ था बायोलॉजी के लिए, जो कि बायोलॉजी के लिए 2016 का यहाँ पे एग्जाम हुआ था, उसका भी आंसर की रिलीज किया गया है। यह एग्जाम 31 जुलाई को हुआ था, इसका भी आंसर किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका 7 तारीख को एग्जाम हुआ था उसके भी टोटल 12 सब्जेक्ट की यहाँ पे देख सकते हैं, 12 सब्जेक्ट के टोटल आंसर की आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अभी सर्वर बहुत ही डाउन चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्वर लोडिंग हो गया है, और मैंने खुद डाउनलोड करने की कोशिश की लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि सर्वर डाउन बता रहा है। लेकिन निश्चित तौर से आपको जल्द ही जो है, जब वहाँ पर सर्वर थोड़ा सा हल्का होगा तो आपको वहाँ से आंसर की डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज का भी, यहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए भी ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। इस प्रकार से ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए सामने निकल के आएगा और आपको वहाँ से ऑब्जेक्शन राइज करना है। साथ में बने रहिएगा चैनल पे, जब भी ऑब्जेक्शन राइज करना है, कैसे करना है, जब इसका साइट थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो मैं बता दूंगा आपको। और कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए। बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बताया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।